डियर स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ कैल्शियम इन कॉन्ट्रैक्शन द कैल्शियम आइंस प्ले ए क्रूशल रोल इन रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द मसल कैल्शियम अमली तौर के ऊपर क्या करती है इट हेल्प्स टू एक्सपोज द एक्टिव साइड्स ऑफ एक्टीन फिल्मेंट Which bind the myosin heads. As a result, cross bridges are formed, which are necessary for contraction. Calcium ions induce uh, contraction with the help of two regulatory proteins, which are associated with the actin thin filament. These proteins are ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एक रिलैक्स्ड माओफाइब्रिल में ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स के अराउंड क्वाइल करती है इस क्वाइलिंग के दौरान ये एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं उनको फिजिकली कवर कर लेती है इसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्ट करने से रुक जाते हैं इसके अलावा जो ट्रोपोनिन है ये ट्रोपोमायोसिन के साथ हर 40 नैनोमीटर के फासले पर अटैच होता है और मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पर हेल्ड करने में और कायम रखने में हेल्प करता है ट्रोपोनिन ज हाई एफिनिटी फॉर कैल्शियम आइंस हर ट्रोपोमायोसिन कंप्लेक्स अपने साथ चार कैल्शियम आइंस को बाइंड कर सकता है जब ये कैल्शियम आइंस ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं तो एज ए रिजल्ट ट्रोपोनिन अंडरगोज ए चेंज इन इट्स कॉन्फर्मेशन दिस कॉन्फर्मेशनल चेंज इन प्रोपोनिन काजेज शिफ्टिंग इन दोजीशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन जब ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से मूव करती है तो उसकी वजह से एक्टिन के थिन फिलामेंट पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं दी कैल्शियम बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन रिमूव्स दैट इनहिबिशन दैट वाज प्रेजेंट बाइंडिंग ऑफ मायोसिन विद एक्टिन जब ये वाली इनहिबिशन खत्म होती है तो मायोसिन हेड्स एक्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं और क्रॉस ब्रिजेस बना लेते हैं जब क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं तो थिक और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे से के ऊपर से स्लाइड पास्ट होते हैं एज ए रिजल्ट दसल फाइबर इज़ एबल टू कॉन्ट्रैक्ट डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम आयंस जो रोल प्ले करते हैं इसके लिए ये ज़रूरी है कि सेल के साइटोप्लाजमे यानी कि माओप्लाज्मे कैल्शियम आइंस की कंसनट्रेशन टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मोलर से ज़्यादा हो